कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम इसको जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ये देश की आम जनता के लिए, देहात में रहने वाले लोगों के लिए एक तरीके से अस्पताल का, स्कूल का, उनके पालन पोषण का बेसिकली ये गाइड है, ये सेकंड मदर, ये पेरेंट्स के रूप में काम करती हैं जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं और उनके हेल्पर्स होते हैं। लेकिन जो डेटा यहाँ उपलब्ध है, मैं वो बातें रिपीट करना नहीं चाहता जो कई माननीय सांसदों ने मेरे से पहले यहाँ पर बोला है। अभी प्रेमचंद्रन जी कह रहे थे कि केरला के अंदर 12,000 रुपया मानदेय दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत दयनीय स्थिति है मैडम, देखा नहीं जा सकता हम लोग से। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर मिनिस्टर यूपी से आती हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की पार्टी की सरकार भी है। तो मैं चाहूंगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो मानदेय है वो 4,500 रुपये जो केंद्र सरकार है वो देती है, वहां उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4,000, केरला जैसे राज्य में 12,000, ये तो अन्याय है। मैं उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए और उनको गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारी फैसिलिटीज उनको दी जानी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि माननीय मंत्री जी इस पर जो है कुछ रोशनी डालेंगे जब अपना जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।